अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इधर आया हूँ जी मोटरसाइकिल ट्यूनिंग करवाने। तकरीबन 2-3 माह हो गए हैं ट्यूनिंग नहीं करवाई मोटरसाइकिल की, तो उसमें काफ़ी जो ना वो आवाज़ें आ रही थी और गड़बड़ कर रहे थे मोटरसाइकिल। तो आज सैटरडे और बैंक से छुट्टी है, तो आज मैंने समझा कि देखिए जी काम हो रहा है जी गाड़ी का, तकरीबन 1.5 घंटा लग जाता है आराम से ना ट्यूनिंग करवाए सही। तो मैंने कहा एक दफ़ा ना ट्यूनिंग करवाएं अच्छी सी, ज़रा मोटरसाइकिल ज़रा हल्का हो जाता है और सही ऐसे चलने में जो ना प्रॉब्लम नहीं करता। ये मेरा भतीजा भी किया स्कोडे चेक करेंगे। इसका ऑयल भी चेंज करना है भाई जान, जैनुइन का अच्छा वो है।
बड़े बड़े होंगे नुकसान यार, लेकिन बंदे बाज नहीं आते फिर भी। ये चीज़ सहूलत है, तुम सहूलत इस्तेमाल करो बस अपने जो भी है, लेकिन बंदे गलत इस्तेमाल करते हैं। अंकल वॉश हो रही है, टेबलें से बिल्कुल नरम नरम हो रही है, इससे बिल्कुल नरम लाइन हो रही है। काफ़ी देर तीन दो तीन माह तक जो मैंने कुकिंग करवाई सुनी, बैटरी से पानी पूरी कर दे। अच्छा सही, तेजाब वगैरह तेजाब नहीं पाई दा, पानी होता है ना सही। बैटरी सही है ना ये मेरी, यानी कि रंग का तो निकलता मिला के तो तकरीबन 15-16 हज़ार रुपया का खर्चा है। सही हाँ, इंजन का भी काम ये वो है सही। और ऊपर 10-15 हज़ार ऊपर तकरीबन 25-30 हज़ार महीना एक पूरा क्या हो जाता है। अच्छा सही, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है जी। ये टायर जो ना मैंने ये चेंज करवाया, वो मेरा जो ना टायर वो काफ़ी फ्रंट वाला पुराना होगा, तो ये पड़ा हुआ था एक बाइक का, वो मैंने कहा वो चेंज करवा लेते हैं, तो ये भी चेंज करवा लिया। और फिर बस ये थोड़ा सा काम रह गया, जल्दी करो यार। गाड़ी बस तैयार हो गई है जी, बस थोड़ा सा काम रह गया। अच्छा अच्छा घर भी चेक करो सर,
प्लग भी साफ करें, प्लग हो गया सही। सारे पीछे भी काम ऑलमोस्ट हो गया जी, अभी थोड़ा सा काम रह गया बस। तो यूरो टू वाला तैंतीस सौ यानी कि 2500 का, दूसरा जाना यूरो टू वाला 3300 का है, 3500 ਦਾ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਵਧੀਆ ਦੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਰ। ਚਿੱਟਾ ਸੰਸਰ ਵਧੀਆ ਪਾ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਨਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵਜ਼ਨ ਹੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ। ਜੀ ਜੀ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨਾ ਹਰ ਸਾਲ ਜਨਾਬ ਉਹ ਸਟੀਕਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਟੀਕਰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। बड़ा काम बड़ा अच्छा तरीके से उन्होंने किया जी, 1.5 का बड़ा मज़े काम किया और बहुत अच्छा किया भाई जी ने। भाई का फिर गरबा भी है काम का। ਸਰ ਜੀ ਬੜੀ ਬਾਈ ਟਿਊਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਬਲ ਕੱਢ ਗਿਆ ਸਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਫ ਆਇਲ ਆਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਹੀ ਹੋ ठीक है। अगे भी एक मिनट नज़र मारो एक गाड़ी रेडी हो गई जी। गाड़ी हो गई जी रेडी और फर्स्ट राइड ये जी मेरा भतीजा जी, बहुत शौक है जिसको मोटरसाइकिल चलाने का, तो ये फर्स्ट राइड लेते हैं जिस पर। ठीक है जी, ट्यूनिंग हो गया माशाल्लाह, बड़ी बेहतरीन हुई है और बड़ी कमाल हुई है। अभी जनाब घर के लिए निकलते हैं जी, स्टैंड उठाओ, इसका बहुत शौक है जी मोटरसाइकिल चलाने का। ठीक है जी, ये भतीजा अपना छोटा, चलो जी आराम से इसमें ज़्यादा, तो फिर वह कहते नहीं यार अब जो ना एक मिनट।